Hello students, so today we are going to start a new topic of chapter 3rd matrix, that is transpose of a matrix. So what is transpose of a matrix? That means we have to say ki agar hame kisi bhi matrix ka transpose nikalna hai to hum usme kya find out karenge. To A agar koi bhi ek matrix hai of any order m cross n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix is called transpose of matrix. कि अगर हमारे पास कोई भी matrix है, मान लो, देखो example से ज़्यादा clear होता है. जैसे मान लो हमारे पास एक ही matrix है. अब इस matrix का order आपके पास क्या है जिसमें 3 rows हैं और 2 columns हैं. तो transpose क्या होता है आपके पास, जिसमें हम rows और columns को interchange कर देते हैं. और हमने क्या कहा कि इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी. जनरली हम ए डैश से डिनोट करते हैं, पर कहीं ए टी भी लिखा हो तो दैट इज़ ऑल्सो द ट्रांसपोज. तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. इसका मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी. जो फर्स्ट रो है 1 4, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो क्या है, 2 5, वो बन गया सेकेंड कॉलम. थर्ड रो थी 3 6, वो बन गया थर्ड कॉलम. तो आपके पास अब कितनी रोज हो गई, 2, और कितने कॉलम्स हो गए, 3. तो हमने जब इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम्स को, देन दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, देन वी गेट अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. 2 x 3 का है तो उसका ट्रांसपोज 3 x 2 का आएगा. अगर 2 x 2 है तो रहेगा 2 x 2, लेकिन रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं आपके पास. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो हमेशा सेम आता है. अब देखो कैसे, जैसे हमने ये ए लिया था मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकाला. अगर इसी ट्रांसपोज का मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं, दैट मीन्स मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो जो 1 2 3 रो थी वो 1 2 3 क्या बन गया, कॉलम. 4 5 6 रो थी तो 4 5 6 क्या बन गया, कॉलम. तो अब कितनी रोज आ गई, 3 रोज, और कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स. देखो सेम आ गया, दैट इज़ इक्वल टू ए. तो दैट मीन्स कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हो, पहले एक बार लिया फिर इसी का दोबारा से लेते हैं, देन वी गेट ट्रांसपोज मीन्स दैट ए डबल डैश इज इक्वल टू ए. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो उस कांस्टेंट का ट्रांसपोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. दैट मीन्स के ए होल डैश इज इक्वल टू के इनटू ए डैश. कि पूरे का ट्रांसपोज लो या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, तो कांस्टेंट के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि ए अगर आपके पास मान लो 1 2 3 4 है, अगर मैंने यहाँ से 2a निकाल लिया, अब 2a का मतलब क्या हुआ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर मैट्रिक्स को, तो आपके पास ये आ गया. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट ही सेड कि आपके पास क्या है, के ए, इसका मतलब 2a होल डैश इज इक्वल टू 2 into a डैश आना चाहिए. दिस अब 2a डैश, अब इसका ये निकालेंगे ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, 2 6 4 8. और अगर मैं 2 बाहर रखूं और a का ट्रांसपोज लूं, तो दैट इज़ 1 3 2 4. तो देखो क्या सेम आता है, 2 6 4 8. देखो बोथ आर इक्वल. तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, या कांस्टेंट को बाहर रखकर सिर्फ मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ट्रांसपोज लें, दैट ऑलवेज इट रिमेन सेम. कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट. थर्ड जो आपके पास आती है प्रॉपर्टी, वो आपके पास आती है कि अगर आपके पास
ए प्लस बी होल डैश, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कहीं ट्रांसपोज लेते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल. एंड द नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होता है, ए बी होल डैश अगर हम मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी डैश इन टू ए डैश. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव. तो अगर हमें ट्रांसपोज में इसे करना है तो देखो इसके आपके पास जो ऑर्डर है चेंज हो जाता है, तो उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. तो दैट इज़ योर लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, दैट ए बी होल डैश इज ऑलवेज इक्वल टू बी डैश इन टू ए डैश. ये हम आगे एग्जाम्पल्स में प्रूव भी करेंगे. राइट, सबसे पहले कौन सा आता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ए डैश इज इक्वल टू ए. अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स वही सेम आ जाए जो गिवन है, देन वी हैव टू से दैट दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिया यहाँ पर 2, 5, 1, दिस इज 5, -3, 2, 7, 5, 8. मान लो आपने ये एक मैट्रिक्स ले लिया. राइट, अब इसमें अगर हम कहें कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे. अब ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा? रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला और अगर ये ए के इक्वल आता है, अब देखो 2, 5, 7, 5, -3, 5, ये तो हमने इंटरचेंज किया. अब इसकी पहली रो क्या थी? 2, 5, 7, इसकी क्या है? 2, 5, 1. दैट मीन्स ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए डैश ए के इक्वल आएगा. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए हमने कोई भी मान लो मैट्रिक्स लिया, दैट इज़ 2, 5, 7. यहाँ पर आप मान लो आपके पास फिर से आ गया 5, -3 और यहाँ 4 मान लो, तो दिस इज 7, 9. अब इसका ट्रांसपोज देखें. देखो वैसे तो हमें यहीं से डायरेक्टली ही दिख जाता है 2, 5, 7, 2, 5, 7, 5, -3, 4, 5, -3, 4, 7, 4, 9, 7, 4, 9. तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सेम आ रहा है. और अगर आपके पास सेम आता है 7, 4, 9, ए डैश अगर ए के इक्वल आता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स व्हेन वी हैव टू से दैट ए डैश इज इक्वल टू ए. अगर हमें कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम बना भी सकते हैं. जैसे हमारे पास ये था, अब ये सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन अगर हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं देन वी कैन फॉर्म. राइट, और उससे पहले अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक बताएं कि कैसे हमें पता लगता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखो ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑलवेज डिफरेंट. यहाँ पर देखो तो ये इस तरह से, ये हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट सेम होंगे और ये एलिमेंट सेम होंगे, तो ये हमेशा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा. डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हों बट इस तरह से ऑपोजिट डायगनल्स के, अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट अगर एलिमेंट सेम हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड दैट. अब अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, अब जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए आपके पास है 1, 2, 5, 7, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज तो हमारे पास सेम नहीं आ रहा. देखो 1, 5, 2, 7, दे आर नॉट इक्वल, सो ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू ए, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट वी वॉन्ट टू मेक इट इज़ एज सिमेट्रिक. तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर उसमें ऐड कर दो ए प्लस ए डैश. अगर हम ए में किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे और उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. देखो 1+1, 2, 5+2, 7, 2+5, 7, 7+7, 14.
अब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो दिस 2 7 7 14 2 7 7 14 ट्रांसपोज लिया है जबकि हमने, उसके बाद भी कैसा आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमें कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे, कोई भी मैट्रिक्स लो, उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, और अगर ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, 0 -5 मान लो 3, दिस इज 5 0 2 एंड दिस इज -3 -2 एंड 0। मान लो आपके पास ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, तो रो जो है वो कॉलम बन गई, तो -3 -2 और 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, देखो अभी ये सेम नहीं है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 -5 3, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस ऑफ, अब देखो ये मैट्रिक्स सेम आ गया, दैट इज़ इक्वल टू ए, तो ए डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी भी पहचान है, जैसे उसमें हमने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों बट ऑपोजिट ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सेम रहती हैं। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरह से जो हम एलिमेंट्स देखेंगे, दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज ऑफ ऑपोजिट साइन, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा, अगर ये 5 तो वो -5 या ये 5 तो ये -5, राइट, ये -3 है तो वो 3 है, ये -2 है तो ये 2 है, तो दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो भी हम इजीली बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑप्शन हो सकती है। अगर हम ये देखें तो ये तो इसका ट्रांसपोज लें तो देखो आपके पास क्या आता है, दिस इज़ 2 5 3 1, तो ये तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ये सिमेट्रिक है। अगर अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम ए में ए डैश ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर ए में हम उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमेशा हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। 2 -2 0, 5 -3 2, 3 -5 -2, 1 -1 0। देखो मैंने कहा था ना डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो और ऐसे ऑपोजिट साइन, देखो इसका ट्रांसपोज लो तो आपके पास क्या आएगा, 0 2 -2 0, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल, तो आपके पास ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा, देयरफॉर इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ए डैश ए के इक्वल होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ए प्लस ए डैश कर दो, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो ए माइनस ए डैश, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट।